This is me, Dikshit sir from Prathalapur, and I'm going to teach you mathematics. So all the students pay attention. I'm last video, that is 7th, and now is 8th video. I'm going to start a new chapter that is called the word questions and two variables linear equation. This is the main topic, and the subtopic is saptavik या वर्ड्स क्वेश्चन. अभी आप लोग देख रहे थे कि आप लोगों ने क्या किया, चार प्रकार की विधियों से दो दिए गए दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना बताया. तो मैंने बताया रैखिक समीकरण ही युग्म समीकरण कहलाते हैं. उनको जब रेखा में बदल करके रेखा के बारे में सोचा जाता है, तब तो जैसे सपोज दैट पानी है, पानी को बर्फ में बदला, फिर बर्फ के बारे में सोचा, बर्फ को ठंडा कर देती है, बर्फ से पानी तासीर गर्म होती है, इस तरह कई चीज़ बात सोचते हैं, तो आपको बर्फ के बारे में बात कर रहे हैं. लेकिन चूंकि वो हेक्टर है पानी, उसी प्रकार से युग्म समीकरण है, उन्हें हमने रैखिक समीकरण बदल दिया, रैखिक समीकरण के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं. तो हमारी जो बात हुई, तो बोर्ड पर हम बात बता रहे हैं कि आठवीं में साध्विक इबारती प्रश्न होते हैं. इन शब्द इबारती प्रश्न क्या कहलाता है, आपको इबारत लिखी मिलेगी, दिए गए इबारत को आपको फिर समीकरण में परिवर्तित करना है. समीकरण कैसे परिवर्तित करते हैं, आइए इसके ऊपर चर्चा करते हैं. तो सवाल होते हैं नंबर और होते हैं संख्या. एक शब्द आता है दो अंकों की संख्या, अब दो अंकों की संख्या में मैं आपको बताना चाहता हूं कि संख्या हम लोग कैसे निकालते हैं. दो अंकों की संख्या कहां से होती है, 10 से लेकर के 99 तक जाती है, क्योंकि पहले होता है 10 से पहले होता है 9, 99 बाद होता है 100. जो तीन अंक की संख्या होगी ये एक अंक की संख्या होगी, यहां से यहां तक होती दो अंक की संख्या, जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात है. बहुत अच्छी तरह से हमने ज्ञात करा दिया है, पता है. अब किसी की संख्या लिखा कैसे आता है, 42 क्या लिखा जाएगा, 4 × 10 + 2, हम लिखेंगे 36, तो 3 × 10, क्योंकि आपको पता है इकाई है दहाई, तो ये वाला होता है इकाई का अंक, ये होता है दहाई, दहाई माने 10, 10 पर आने वाले अंक को दहाई अंक का अंक, तो 3 × 10, इसे कहते हैं संकेतीय प्रसार, संकेत में प्रसार. 6 तीसरा लिखेंगे 94, तो 9 × 10 + हम फिर लिखेंगे 65, इसको कहेंगे 6 × 10 + का. अगर इन सभी अंकों के बारे में हम सूत्र में प्रोना चाहें, ये सब संख्याएं थी, अलग अलग संख्याएं थी, संख्या 42, 36, 95 और 65, इन सभी संख्याओं को सम, आप देख रहे 10 कॉमन आ, तो निश्चित है अगर हम सूत्र बनाएंगे तो सूत्र में यहाँ 10 कॉमन ही आएगा. यहाँ पे कहा कैसे आना रहा, मल्टीप्लीकेशन का, मल्टीप्लीकेशन से आ रहा, यहाँ कॉमन कहा कैसे आना रहा, का प्लस, इतना मैंने बना दिया. नोटिस करिए, बारी से देखिए, मैं संख्या के लिए सूत्र बना रहा हूँ, इस संख्या के लिए मैं एक सूत्र बनाना चाहता हूँ. सूत्र कैसे बनेगा, आइए, अपने पास दो चर होते हैं एक्स और वाई. इन एक्स वाई के मान लो एक्स चर हमने दहाई के लिए हमने डिसाइड किया और वाई चर का हमने इस्तेमाल किया इकाई के. आप बार बार देख भी रहे कि यहाँ दहाई को 4 भी आया, 3 भी आया, 9 भी आया, 6 आया. अगर इसको देखा जाए तो कुल का कितने अंक आएंगे, 1 से लेकर के 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नहीं आए, 9 तक के अंक, 1 से लेकर 9 तक आए. इन अंकों के लिए अगर हम एक ब्रांडेड शब्द का इस्तेमाल, चल चूंकि सब अलग अलग हो सकते हैं, अगर हम एक्स कर लें, इन सभी शब्दों के लिए इकाई का प्रयोग कर लें एक्स, नोटिस करनी बारिश, और यहाँ पर भी आपको पता है 1 से लेकर के 9 तक आए, हमारे 1 से स्टार्ट हुआ 9 तक की वैल्यू आ सकती है, 2 आ गए, 6 आ गए, 4 आ गए, 5 आ गए, इसके लिए हम इस्तेमाल कर लें वाई. तो हमारा ये दो अंकों की संख्या का सूत्र बन के तैयार हो जाता है. कैसे, आपको पता है अंक को जब गुणांक में लिखते हैं तो अंक को पहले लिखा जाता है, अच्छा पहले राशि आती है, चल बाद में क्या आएगा, 10 पहले आ जाएगा, गुणा लगाने की जरूरत नहीं है, 10x + 12, तो गुणा लगाने की जरूरत नहीं है, गुणा हमेशा लगा ही होता है, 10x + 12. आपको जो पता चलेगा कि दो अंकों की संख्या का जो सूत्र है, दो अंकों की संख्या उसका जो सूत्र प्रतिपाद कर लिया हमने 10x + y, जहां पर y इकाई अंक है और x दहाई अंक है. नोटिस कर लीजिए, जहां y इकाई अंक है और x दहाई अंक है. आपको सबसे पहले इसका अध्ययन करना होगा जो मैंने बता रखा, मैंने आपको एक ही शब्द बता रखा कि यहाँ 10 की वैल्यू सेम आएगी, गुणा का वैल्यू सही आएगी, प्लस की सही आएगी, यहाँ पर जो मान आएंगे ये वाले आपको मान दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे सभी सब अलग अलग आएंगे,
यहाँ पे वैल्यू अलग आएगी, लेकिन वैल्यू आपकी एक से लेकर नौ तक के बीच में होगी। आगे दहाई के अंक को मानेंगे एक्स, इकाई के अंक को मानेंगे वाई, तो मैट्रिक्स करेंगे 10x + y। तो दो अंकों की अगर कोई भी संख्या की बात करते हैं तो 10x + y के सूत्र में होती है। इसको तुरंत आप नोट कर लें, दो अंकों की संख्या का जो जब भी हम बात करते हैं 10x + y होगी। नोट इट डाउन माय डियर स्टूडेंट। अब नेक्स्ट टॉपिक आते हैं सर, मैंने भिन्न भिन्न क्या होती है, थोड़ा सा मैं भिन्न के बारे में बात करूंगा, एक छोटी सी भिन्न समझा दूँ। आपके पास एक चॉकलेट है, एक चॉकलेट के आपने कुछ भाग दिए 1 2 3 4 5, एक चॉकलेट थी जिसको अपन मंच कह सकते हैं, डेयरी मिल्क कह सकते हैं, या और भी कंपनी की आती है, बड़ी वाली चॉकलेट थी। उस चॉकलेट के आपने जो डिवाइड किया उसको किया 1 2 3, 20 या 50 रुपीस की, 60 रुपये की, या 300 रुपये की भी आती है बड़ी बड़ी। तो इनके आपके फाइव पार्ट में से आपने दो पार्ट अपनी बहन को दे दी, कितनी पार्ट दे दिए, दो। आप इसको कहेंगे कितने बहन को दिया आपने, दो। तो बाकी बचे आपके पास 3 पार्ट, वो आपने 3 खा ली। अगर आपसे कहें कि आपने कितना भाग बहन को दिया तो आप कहेंगे दो। ये अधूरा क्वेश्चन, इसको पूरा क्वेश्चन बताने के लिए दो कितने में से दो 5 में से, इसी चीज को हम लोग भिन्न या दूसरे शब्द में परिमेय संख्या कहते हैं। वे संख्या जो एक्स बटे बाई में लिखी जाए और बाई का मान 0 ना हो, या पी बटे क्यू के रूप में, एक्स बटे बाई में तो अपन चूंकि चर के लिए कहते हैं तो इसके लिए उन्होंने नया शब्द बनाया है पी बटे क्यू, मैं एक्स बटे चार इसके हिसाब से बोल रहा था। अगर कोई संख्या पी बटे क्यू का रूप में लिखी जाए, क्यू का मान 0, क्योंकि दोनों मत पद कैसे होंगे, आपके मैं पहले बता चुका, दोनों ही पद आपके संख्यात्मक होंगे और क्यू का मान 0 ना हो, तब ऐसे स्थिति में हम इसको क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ बात कर रहे हैं भिन्न की, तो ऊपर वाले शब्द के लिए नामकरण किया गया जिसे कहा गया हम लोग अंश, और नीचे वाले शब्द के लिए दूसरा नाम दिया गया जिसे हमने कहा हाथ, माने अंश बटे हाथ। जब भी कोई भी संख्या लिखी जाती है तो अंश बटे। अगर मान लो अंश के लिए बेटा हम एक्स मानते हैं और हर के लिए हम वाई मानते हैं, तो भिन्न का रूप आ जाएगा एक्स बटे वाई। नोटिस कर लो, चूंकि मैंने आपको बताया आपके पास दो चर हैं एक्स और वाई, इन दोनों चरों का ही प्रयोग करना है। तो जब भी आप किसी भी चीज के बारे में बात करते हैं तो अंश जो है वह क्या है, एक्स है, और वाई क्या है। तो जब भी आपकी कोई बात की जाएगी भिन्न की एक्स बटे वाई की, अब आपका आ जाएगा सवाल एक्स बटे किसी भिन्न के अंश में एक जोड़ दिया जाए, हर में से 2 घटा दिया जाए, तो वो भिन्न के बटे 4 हो जाते हैं। तो अब आप इसका यहाँ गुणा कर लेंगे, यहाँ गुणा कर लेंगे, एक आपको युग्मक समीकरण जो था वो प्राप्त हो जाएगा। क्या कहा हमने, किसी भिन्न में के अंश में, अंश माने ऊपर वाले से, अंश में एक जोड़ दें, किसी भिन्न के अंश में एक जोड़ दें, जोड़ माने धन, हर में से 2 घटा दें, घटाने माने ऋण, तो भिन्न 1/4 प्राप्त हो जाती है। एक्स प्लस 1 बराबर 1 और एक्स माइनस 2 बराबर 4। अब इसका यहाँ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका यहाँ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, आपका सवाल हल होने के बाद एक समीकरण बन जाएगा। इसी प्रकार दूसरा आएगा, दोनों समीकरण हल कर लेंगे। तो आपको ये बात समझ लीजिए कि क्या गया, एक बात तो थोड़ा सा उसमें भूल गया था, अगर कोई संख्या 10x + y है तो इसके अंक क्या कहे जाएंगे। माय डियर, इसके अंक की जब बात करेंगे तो एक अंक एक्स होगा, दूसरा अंक, अगर मान लो ये संख्या 34 है, 3 × 4 = 34 के अलावा, लेकिन अंक की बात करेंगे तो पहला वाला अंक 3 है और दूसरा वाला अंक 4 है। अंकों का योग 4 × 3 = 7, अंकों का गुणनफल 4 × 3 = 12, ये शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। तो आप जानिए संख्या 34 है, अंक कहलाता एक्स और वाई, या 3 या 4, इस बात को भी आप दिमाग में बैठा, तो ये बात आपको समझना है। हेलो माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट होता है आयु। आयु माने होती किसी व्यक्ति की उम्र, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले बोर्ड प्रश्न होते हैं आयु संबंधी का। आइए आयु संबंधी बात करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, आयु की बात करते हैं हम दो, नरो एक चीज आएगा पिता की आयु कुछ है, तो हम पिता की आयु या कोई व्यक्ति की आयु तो उसको पहले को मानेंगे एक्स, अगर पुत्र की आयु की बात करते हैं तो दूसरे वाले को मानेंगे वाई। बात जानिए, यह इसमें कहा जाता है रमेश वाली, तो रमेश को मानेंगे एक्स, जो पहले नाम दिया है उसको आप प्राहा एक्स ही मानेंगे, क्योंकि पहला एक्स वाई होता, पहला एक्स आता दूसरा वाई आता, तो पहले जो नाम दिया है उसके लिए एक्स और दूसरा नाम जो दिया उसके लिए हम लोग वाई मानते। तो पिता की उम्र है एक्स वर्ष और पुत्र की उम्र क्या है वाई वर्ष। हमें बात आ रही है कि नहीं, पिता पुत्र की आयु क्या है, पिता की आयु कितनी है एक्स वर्ष और पुत्र की आयु कितनी है वाई वर्ष। अभी बात जानिए, अब गुना आता है एक शब्द, पिता की आयु पुत्र की
आयु की तीन गुण। एक शब्द आता है आखिर गुण क्या है, तो पिता की आयु लिखा कैसे जाता है, सवाल को कैसे किया। मान लो पिता की आयु साइड में कॉमा लगा दी और पुत्र की आयु साइड में एक कॉमा लगा दी। पिता मतलब जब एक बार एक व्यक्ति के लिए बोली जाती है वहां पर आपको एक कॉमे का प्रयोग करना है ताकि उसको बिल्कुल अलग कर देना। दूसरे के लिए अगर आप इसको ज्यादा सोचेंगे तो लगेगा यार पिता की आयु ज्यादा तो पिता की तरफ आप तीन को गुणा कर देंगे, वो गलत हो जाएगा। आपको इस सवाल को किसी भी तरीके से सोचना नहीं है, जैसा सवाल कहा गया है वैसा ही करना है। पिता की आयु क्या थी यहाँ पे आपने लिखा एक्स, यहाँ किसकी बात कही पुत्र की, पुत्र की आयु वाई थी कि तीन गुणी, किसकी तरफ बोला गया पुत्र की तरफ, बिल्कुल सोचे बिना कि पिता की ज्यादा होगी या पुत्र की, और बीच में हम लोग क्या करते बराबर का निशान लगा देते हैं। ये हमारा समय का मतलब तैयार हो गया। अब हम इसको अंदर ले लेंगे एक्स माइनस तीन वाई बराबर जीरो, जो हमारा समीकरण जो है युगपत समीकरण दो चर वाली लड़की समीकरण बनकर तैयार हो गया। तो आपको बिना सोचे हुए करना। अगर इसी में हम और क्वेश्चन की बात आप करें तो और क्वेश्चन की बात हम कैसे करेंगे, आइए हम बात करते हैं। इसी क्वेश्चन में मैं और एक प्रश्न मार्क करता हूं, क्या करता हूं फिर से, पिता की आयु का दो गुना पुत्र की आयु के चार गुने से पांच जा। तो मैंने कहा कि एक इबारत दो हुई, एक इबारत एक व्यक्ति के बारे में पूरी कही जाएगी, पिता की आयु का दो गुना पिताजी के बारे में पूरी, तो एक शब्द यहां पे आप पढ़ लीजिए। दूसरा पुत्र के बारे में कहा गया है कि पुत्र की आयु के चार गुने से पांच जा। तो माय डियर दोनों चीज को आप पहले कर लीजिए, ये जहां पे भी बात दोनों की जाती वो बराबर का साइन लगता है, वहां लगेगा आपका बराबर का, ये बात हमेशा ध्यान रखना। मैं अभी बता रहा हूं बहुत अलग अलग ढंग से, जब मैं सवाल को कराऊंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं उस सवाल को फिर एक साथ कराऊंगा तो वहां आप कंफ्यूजन ना हो, आपको बिल्कुल क्लियर स्पष्ट होना चाहिए। तो जहां बात दोनों अलग अलग होती है उस जगह को हम बराबर से निरूपित करते हैं। पिता को आपने क्या माना था एक्स, एक्स भाई पिता की आयु का दो गुना, मैंने कहा गुणी शब्द को कहते हैं गुणा, अगर नहीं समझ पाते तो गुणा दो, गुणा दो इसी को टू एक्स बोल देंगे। यहाँ गुणा के समय दो एक्स में गुणा का शब्द छुपा ही रहता है, आप गुणे मतलब यहाँ पर गुणा जो शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है एक्चुअली क्या है बेटा गुणा है, ठीक। तो पिता की आयु का दो गुणा, बिल्कुल नहीं समझना कि किसकी आयु से कौन ज्यादा है कौन नहीं ज्यादा, इसको नहीं सोचना है बिल्कुल भी, आपको सोच कर नहीं, आपको क्या सोचना है कि जो जैसा कहा जाता है हमें वैसा ही लिखना है बिना सोचे हुए। सोचना माना कि भाई पिता की आयु से पुत्र की आयु से पिता की दूनी है, पुत्र की आयु छोड़ के पिता की आगे दो लगा दिया, ऐसा नहीं करना, ये सोचना क्या है, कहते सोचना। आप किस तरफ कहा गया दो गुना पुत्र की तरफ, पुत्र की तरफ दो गुना करो, पिता को छोड़ो तब सवाल बैलेंस हो। तो हमें ये बात जानते हैं किस तरह से, तो आपने कहा पिता की आयु का दो गुना, अब बराबर का साइन हो, पुत्र की आयु क्या थी बाई के चार गुने, चार गुने माने गुणा, कितने गुणा करेंगे चार गुणे बाई से पांच ज्यादा, तो इसमें प्लस पांच ज्यादा या अधिक दो शब्द का इस्तेमाल होता है तो वहां किसका शब्द होता है प्लस का, कम की शब्द के लिए माइनस का प्रयोग किया जाता है, कम माने माइनस का प्रयोग, कम है तो वहां पे माइनस का प्रयोग किया जाएगा। तो ये बात दो शब्द है ज्यादा अधिक, कम और कम दोनों शब्द में कम का प्रयोग किया जाता है, वहां पर माइनस का साइन का प्रयोग किया जाता है। तो आपने क्या देखा पिता की आयु का दो गुना, तो पिता की आयु मैंने ली क्या एक्स, पुत्र की आयु क्या मैंने ली बाई, पिता की आयु का मैंने कह दिया दो एक्स, दो एक्स बराबर पुत्र की आयु क्या थी बाई, बाई का कितना बना था चार बना, चार बना कर दिया कितना ज्यादा, अब आप एडजस्ट कर लो जो गुणा नहीं करा था दो एक्स बराबर चार वाई प्लस पांच, आगे एडजस्ट करके इसको अंदर लाना है दो एक्स माइनस चार वाई बराबर पांच आपका दूसरा समीकरण। तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि सवाल को कैसे करना, आयु के सवाल और हम लेना चाहें, अगर आयु के सवाल को हम और अलग ढंग से करना चाहें तो कैसे किया जा सकता है, आइए हम बता दें। गुणा को आपने समझा, गुणा को गुणा कहते हैं, वो किसी भी अक्ष एक्स या वाई जो हमारे चर है उनके आगे आप आगे ले सकते हैं या गुणा लगा के कर सकते हैं, और अगर आपका ज्यादा शब्द का प्रयोग होता है अधिक शब्द का प्रयोग होता है तो उसके लिए आपको कर सकते हैं। एक शब्द और हम कहें, वही मान लीजिए पिता की आयु थी पांच
उतनी आयु थी चार बाई। हम कहें पांच वर्ष पूर्व या पहले, इसको पूर्व या पहले कहें, ए शब्द कहना, इसको हम साइन प्लस से माइनस से करते हैं। माइनस माने आज, मान लीजिए आज मेरी 44 इयर्स आयु, अगर मैं कहूँ कि आज से चार वर्ष पूर्व, तो चार वर्ष पूर्व माय डियर स्टूडेंट मेरी आयु होगी 40। तो 44 से 40 कैसे आए, तो 44 में माइनस चार घटाने पर हमारे, तो कम करना माने तो माइनस, जब आपका पूर्व और पहले की बात करते तो घटाना पड़ा। और अगर हम बात करते हैं बाद और पश्चात, चार की बात करेंगे, हम कहते हैं आज से छह वर्ष, छह वर्ष चार वर्ष पूर्व की बात हो गई, हम कहें छह वर्ष पश्चात, पश्चात या बाद में मेरी आयु कितनी होगी 50 वर्ष, माने छह वर्ष पश्चात मेरी आयु 50 वर्ष होगी। 50 वर्ष कैसे हो गए माय डियर स्टूडेंट, तो जब किसी भी आयु में से घटाते हैं पूर्व पहले जाते हैं तो वहां पे आयु घट जाती है, और बाद पश्चात जाते हैं तो वो दोनों आयु घट जाती है। बात जान लीजिए, पिता पुत्र की या किसी भी दो व्यक्ति की आयु की बात करते हैं, अगर हम कहते हैं कि चार वर्ष पूर्व, तो चार वर्ष पूर्व दोनों की आयु में से घटेगा, क्योंकि चार वर्ष पूर्व पुत्र भी चार वर्ष कम था और पिता भी चार वर्ष कम था। जैसे एक सवाल लिखा, चार वर्ष पूर्व, मैंने जब आपको पूर्व पहले बता दिया है तो आपको कंफ्यूजन जो है वो बिल्कुल दूर हो गया हो। चार पांच वर्ष पूर्व पिता की आयु का दोगुना, पुत्र की आयु का 5 गुना से 17 कम थी या है, जो नीचे चला गया। एक क्वेश्चन आपको मैंने राइज किया, तो जे जो 5 वर्ष पूर्व है ये कॉमन है, कॉमन जानते हैं ना, उभय नेश ये दोनों में लागू होगी। तो ये यहाँ पर सरकार की आयु का दोगुना एक बात हो गई, यहाँ पर बता दू, और पुत्र की आयु का जे दूसरी बात हो गई। तो जब ये दोनों बात हो गई, पिता की आयु के लिए पहले में मान रखा क्या एक्स, पुत्र की आयु के लिए क्या मान रखा वाई, तो जे जो कॉमन है 5 वर्ष ये दोनों पर ही लागू होगा और इसी की आयु में लागू हो जाएगा। कितने वर्ष से 5 वर्ष पूर्व माने पहले, पहले माने घटाना है, जो पिता पे भी लागू होगा और जो पुत्र पर भी लागू होगा। इस बात को जानिए, पूर्व या पहले कहलाता है माइनस, पूर्व माने पिछला, हम पिछला 5 वर्ष पहले, आज 40 थी मान लो हमारी आयु 40 है, हमारे बच्चे की आयु 20, 5 वर्ष चले जाएंगे तो 5 कट जाएगा, यहाँ 5 घट जाएगा तो यहाँ 35 हो जाएगा, यहाँ पर 15। हम अगर बात करेंगे 10 वर्ष की पहले की, भी 10 वर्ष की बात पहले की बात करते हैं, 10 वर्ष पूर्व की स्थिति क्या होगी, तो 40 में से 10 घट के हमारी आयु आ जाएगी 30 और 20 में से 10 घट के उसकी आ जाएगी बच्चे की आयु 10। अगर हम 5 साल बाद की बात करेंगे तो 40 में हमारा 5 जुड़ जाएगा, 20 में 5 जुड़ जाएगा, तो हमारी हो जाएगी 45, हमारे बालक की हो जाएगी 25 साल। तो बाद पश्चात में जुड़ जाता है और पूर्व पहले में घट जाता है। ये चीज सबसे पहले आपको टीचर कोई नहीं समझाएगा, जहाँ ट्यूशन जा रहे हैं मुझे पता है, वो डीपली नॉलेज नहीं देगा। आप मेरे वीडियो से तुलना करके मुझे कमेंट करके बताना क्या है, मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, वो मेरे इस तरह से नहीं पढ़ाएगा, डीपली नॉलेज नहीं देगा आपको। अद्वितीय ज्ञान, अंदर का ज्ञान, बारीक से ज्ञान, मैं आपसे दावा कर सकता हूं, ये बात स्पष्ट मैंने। अब टॉपिक पे, तो 5 वर्ष की कुछ विद्यार्थी ने मुझे कमेंट किया कि सर अभ्यंत की किताब की जब क्वेश्चन मैं अपने टीचर से कहता हूं तो वो कहते कल बता देंगे, ये बताते ही नहीं। बहुत से स्टूडेंट ने मुझे कॉल करके बताया, इसका तात्पर्य है क्योंकि अभ्यंत की किताब के क्वेश्चन वास्तवता में टिपिकल है अन्य किताबों की अपेक्षा, और बहुत ही आई क्यू स्तर, सॉरी सर जिस तरह से आप समझाते हैं उसको बारीक से नहीं समझाते, सीधा कराते चले जाते हैं। अगर कोई चीज़ मेरे पास बिंदु बीच में आ जाती है तो मैं उसको बिल्कुल क्लियर करता हूँ कि वो चीज़ स्पष्ट हो जाए, स्टूडेंट को बिल्कुल आइडेंटिफाई हो जाए। बहुत से टीचर्स जो हैं वो जो टीचिंग कर रहे हैं अदर जगह, वो कहते हैं सर मैं आपकी वीडियो को पहले खोल लेता हूँ, एक दिन पहले पढ़ लेता हूँ, अगले दिन मैं अपने टीचर स्टूडेंट को पढ़ा देता हूँ ताकि मैं बेहतर ढंग से आपके एक कॉल काम कर सकूँ। मुझे पता चला, मुझे बता याद कराएगा, मेरे 3 टीचर ने मुझे कॉल करके बताया सर इसलिए प्लीज़ आप वीडियो को बनाते रहिए। मैंने उनसे कहा मैं वीडियो को बनाना बंद कर रहा हूँ यूट्यूब पे और मैं ऐसे ही बनाऊंगा, बच्चों को ऐसे पढ़ा दूंगा, तो नहीं सर प्लीज़ इसमें बंदी करें, इसमें हमारा प्रॉफिट हो रहा है और हम उस बच्चों को आपकी वीडियो को लेकर पढ़ाते हैं। स्टूडेंट बोले कि सर मैं कोचिंग तो पढ़ रहा हूँ लेकिन कोचिंग पढ़ते समय मुझे वो चीज़ समझ में नहीं आ रही जो आप यहाँ समझा पा रहे हैं, तीसरी में आप चाहते हो मेरी वीडियो खोल के देखो ना, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा क्या चीज़ है। तो मैंने क्या बताया, जो कॉमन चीज है, जो
इसके लिए भी और इसी पांच वर्ष पूर्व की स्थिति इसके लिए दोनों के लिए कॉमन होती। कॉमन कैसे? एक्स माइनस फाइव ये आ गई और वाई माइनस फाइव जी आ गई, दोनों पर लागू हो गए कि नहीं। आगे अगर कोई भी लिखा है पांच वर्ष पूर्व, तीन वर्ष पहले, दो वर्ष पश्चात, चार वर्ष बाद, बाद पश्चात माने प्लस और पूर्व पहले माने माइनस, ये बात स्पष्ट नहीं। इसके लिए क्या किया जाएगा? पिता की आयु का दोगुना, ये पहले लागू होगा, इसे पहले आपको लागू करना पड़ेगा, पिता पुत्र को लिखना, पिता की आयु का दोगुना गुणे दो, नहीं तो सीधा दो लिख सकते, पुत्र की आयु का पांच गुना, अगर गुना दिया है तो गुना लिखेंगे, नहीं देंगे से सत्रह कम, कम की लिया जाता है माइनस का प्रयोग किया जाता है, पहले कम के लिए माइनस का प्रयोग, ज्यादा और अधिक के लिए प्लस का प्रयोग, गुणे के लिए गुणा का प्रयोग, पूर्व पहले के लिए माइनस का प्रयोग, बाद पश्चात के लिए प्लस का प्रयोग, आप जानते। अब इसके बाद विवाद होती है मेरा, इस कंडीशन में इस जगह पर आपका बराबर सूचना नहीं है कि कहां किसकी ज्यादा है। अब आपको पढ़ना है 2x माइनस 2 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 10 इज इक्वल टू 5 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 5 बाय माइनस 5 का गुणा 25 में करेंगे 25 माइनस 7। अब आप एडजस्ट कर दीजिए, इस वैल्यू को आप यहाँ ले आइए और इसको आप यहाँ ले जाइए, माइनस 5 बाय बराबर इन जोड़ जोड़ दिए 5 सात 12 की 2 2 3 4 40 प्लस 10 2x माइनस 5 बाय 12 42 में से गया 32 दिया प्रश्न दिया। जी समीकरण फाइनली कब आ जाएगा? जब बिना सोचे आप करेंगे, बिना सोचे करेंगे, मतलब आप बीवी पिता क्या होगा उससे दोगुना, पुत्र क्या होगा पांच गुना, तो पांच गुना है पिता क्या होगा, बच्चे यहाँ भी पांच गुना लगा दिया, दोगुना कर फिर यहाँ भी दोगुना लगा दिया, तो वो यहाँ जो भी सोचना आपको जो सोचना है जो बात पिता की नहीं कही गई वो पिता की तरफ लागू करें, जो बात पुत्र की तरफ की गई या फिर कोई व्यक्ति का नाम हो सकता राम श्याम, राम की तरफ जो बात कही गई वो राम पे लागू करें, जो श्याम की नहीं कही या पिता पुत्र हो सकता, भाई बहन हो सकता, कोई भी वर्ड हो सकता है, इससे कुछ नहीं है। आगे वाले सवाल में जैसे भी अभी क्वेश्चन हल करेंगे तो मैं आपको और ज़्यादा बताता जाऊँगा, लेकिन आपको जो चीज़ समझ में आ रही है उसको इसी तरह लागू करना है, आप नोट डाउन करते हैं प्लीज़। हेलो माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुपात। अनुपात क्या क्या होता है? पहले मैं आपको अनुपात समझाना चाहता हूँ। जैसे मेरे पास 30 रुपये और आपके पास 80 रुपये, ये रुपये थे हमारे पास, मेरे पास 30 और आपके पास 80 रुपये, लेकिन अगर हम अनुपात की बात करें तो अनुपात क्या है? जब अनुपात माने क्या रहता है? दूसरे शब्द में आपने सुना या कहीं नहीं आपने पढ़ा होगा कि अनुपात माने होता है बटा। जब कोई भी संख्या वास्तविक संख्या जी 30 और 80 वास्तविक संख्या उन्हें रख करके किसी भी कॉमन कॉमन माना उभयनिष्ठ संख्या जिसका दोहरा अंश दोनों अंश में भाग जा सकता है, सिर्फ विभाजित किया जाता है, यहाँ बचा 3 बटे 8, दूसरी संख्या थी 20 और 80 थी, मैंने आपके पास 20 थे हमारे पास तो 80 रुपया है, तो 20 बटे 80 शून्य से शून्य काट दिया, 2 एकम 2 2 चौकिया जी आगे मान 1 बटे 4 जी आगे 3 बटे 4, राम के पास 160 रुपया थे और सुनील के पास 340 रुपया, रुपया की बात करूँ रुपया जी 160 बटे 340, शून्य से शून्य विभाजित कर दिया, 2 से काटा तो 2 एकम 2 सात दुनी चौदह आठ दुनी सोलह और काट नहीं कट रहा। जब आपकी संख्या तब तक रह काटते जाए किसी भी संख्या काटने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली संख्या नोट के हिसाब से होती है, सबसे एक नोट नहीं होता, 2 3 3 से विभाजन, फिर 500 700 1100 1300 11 तक के विभाजन के नियम हमने आपको एक दिन बता दिए। तो जब किसी भी अमुक संख्या से विभाजित करते हुए काटते हुए प्रतिच्छेद करते हुए काटते अलग विभाजित करते जब कोई भी संख्या अपने न्यूनतम स्तर में भिन्न विभिन्न अंश बटे हर विभिन्न अंश बटे हर विभिन्न अंश बटे हर विभिन्न जब किसी भी न्यूनतम स्तर में पहुंचती है तो वह उसका अनुपात कहलाती है। उस संख्या को भाई अपने संख्या की इकाई में बटे पहली संख्या को आपने मान लिया अंश, दूसरे को मान लिया हर, फिर किसी भी संख्या का प्रयोग करते हुए जो दोनों विभाजित कर रहा है आपने विभाजित करना शुरू कर दिया, विभाजित करने के बाद किसी भी संख्या अपने न्यूनतम रूप में पहुंचती है तो न्यूनतम रूप में पहुंची हुई किसी भी बिंदु को अनुपात में अंश लिखा जाएगा पहले हल लिखा जाएगा बाद, इस संख्या को अनुपात कहते हैं, दोनों संख्याओं के बीच में अनुपात या किसी संख्या से काटी गई संख्या। अनुपात से अनुपात का तीन बटे अनुपात से वास्तविक संख्या में प्राप्त करने के लिए एक ही संख्या का गुणज होता है।
आपने 10 का करता, 3 में 10 का गुणा कर दिए 30, 8 में 10 का गुणा कर दिए 80, इस तरह आपको प्राप्त हो जाता है। नोटिस करिए, तो बात आई बेटा कि क्या है अनुपात, एक्चुअल है क्या अनुपात, क्या है इसको समझ लीजिए, परिभाषा ही हो जाएगी। अनुपात दो संख्याओं के न्यूनतम संबंध को या दो संख्याओं के, यहां से छोड़ दीजिए, यहां पात्र लगकर हटा दीजिए, दो संख्याओं के न्यूनतम संबंध को अनुपात कहते हैं। भाई दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं के न्यूनतम, न्यूनतम माने सबसे कम या छोटा से छोटे संबंध को अनुपात कहते हैं। अनुपात आप जो है क्या, दो संख्या की बात करते हैं, एक ऐसे और दूसरा भाई है, तो उसके संबंध को, उसके न्यूनतम भाव को आप अनुपात कहते हैं। तो जो बात की बात आपकी निकल के आती, अनुपात शब्द का आपको उत्तर मिल गया होगा, दो संख्याओं के न्यूनतम संबंध को अनुपात कहते हैं। आपको ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई है। अब बात आती है माय डियर स्टूडेंट, आखिर हम निकालते कैसे, अगर अनुपात हमने कहा दो संख्याओं में अनुपात 3:5 है, तो संख्या क्या होगी अगर इसको निकालना होगा, उल्टा करना हो, तो भाई अनुपात है 3:5 संख्या, मतलब 3:5 अनुपात, तो माना कि अगर इनमें आप इनकॉमन नीचे, आपने क्या लिखा 3/8, इसमें किस चीज का गुणा हुआ 10, तो वो संख्या वास्तविकता बन जाएगी 3:30 और 8:80, ये बनकर तैयार हो गई 3/80 थी एक्चुअल संख्या, इसको हमने अनुपात में डाल दी, अनुपात में किस संख्या का गुणा होगा 10 का, हमने इसको कह दिया 1/4, तो किसका गुणा है 20 एकम 20 और 20 चौके 80, तो 20 चौके कितना हो जाएगा 80 और 20 एकम क्या हो जाएगा 20, तो संख्या क्या हो जाएगी 20/40 80, समय बात आ रही है आपको। तो आपने क्या देखा कि हम अनुपात की अगर बात करेंगे तो अनुपात की आपको यहाँ पर दिखाई दे रही, तो जो संख्या का संबंध होता है कि 3:5 है, तो यहाँ पे क्या रहेगा 3:30 और 10/80, तो आपके 3:5 जो है वो 10 का गुणा करने पर वास्तविक संख्या आई, उसी प्रकार से 20 का यहाँ गुणा करने पर वास्तविक संख्या आई। मतलब एक ऐसी संख्या होती है जिसका दोनों अनुपात में अगर गुणा किया जाए तो वह वास्तविक संख्या आ जाती है, जो आपको समझ में आ रहा। तो इसको हम कैसे करते हैं, आइए हम बात करते हैं। बारीक से आप देखते चलिए, अनुपात कोई बड़ी चीज नहीं है, परिभाषा को आप लिख दीजिएगा कि दो संख्याओं के न्यूनतम संबंध को हम अनुपात कहते हैं, ताकि वह चीज स्पष्ट हो। मान लो अगर कोई संख्या 3 है, अनुपाते 5, इसको हम कहेंगे 3/5, आप कह सकते हैं ए और ए रूप एक ही है, आप सब रूपों को भी डाउट ना, 3:5 और 3/5 एक ही रूप है, इस बात को समझ के चलिए ठीक। अब इनको हमें करना कैसे है, तो 3/5 है या 3:5 है, इनको करने के लिए क्या है, अगर दोनों में हम किसी भी एक संख्या का गुणा कर दें, ये संबंध का गुणांक होगा, तो वो संख्या हमारी वास्तविकता में बन जाएगी, मतलब 3 के बाद एक जिस चीज का गुणांक किया। मान लो ये वस्तु क्या थी जिसका हमने गुणांक किया हुआ, मान लो कि एस, एस तो ऐसा कैसे माना कि अनुपातिक गुणज एस है, तो अनुपातिक गुणज एस है, तो क्या हो जाएगी 3x/5, मतलब वो संख्या, तब संख्या क्या कराती 3x/5 है, तब संख्या कितनी कहलाएंगी, तब संख्या क्या लाएंगी 3x/5, 3x/5 होगी। मैंने क्या बताया, माना कि अनुपात की गुणक x है, मतलब x का हम गुणा कर रहे हैं, संख्या हमारी 3 और 5 में, अनुपात में किसी है 3:5 में, अब संख्या को हमें वास्तविक संख्या प्राप्त करनी है, तो वो संख्या क्या होगी 3x/5 होगी, तो वास्तविक संख्या बस वही चीज है, यहाँ पर एक्स का गुणक 3 है। अगर किसी सवाल में 2 अनुपात में हो, मान लो पहले अनुपात था 4/5, अब किसी संख्या के जोड़ने गणना आने पर 6:7 होगा, बस सुनिए, अगर किसी सवाल में ऐसा आया है कि पहले संख्या आती वो 4:5 में थी, पर जोड़ने और घटाने पर अनुपात हो जाता है 6:7, तो वह अनुपात ज्ञात करना, यहाँ 4:5 में थी, 4/5 यहाँ अनुपात से जुड़े, अगर आपका एक्स हुआ तो संख्या क्या आएगी 4x और 5x, अब आपका क्या बनेगा 6/7,
तो यहां पर हमारे व्रत क्या लाएगा बाई का, तो क्या क्या लाएगा छह बाई और सब जी जीवन जाएगा। मतलब आप देखिए अनुपात पे लगता था चार अनुपात एक, अब अनुपात में कोई संख्या जोड़ने घटाने गुणा करने भाग कोई भी चीज अगर सवाल में दिया हो करके वो अनुपात बन जाता है छह अनुपात के साथ, तो पहले वाले का अगर अनुपात क्योंकि इन संख्या का अनुपात जोड़ा एक हुआ, इनका एक हुआ, दोनों का एक ही नहीं हुआ, चारों संख्याओं का जोड़े का एक ही अनुपात होगा, इस जोड़े का एक ही अनुपात होगा। अगर आप कहो कि दोनों संख्याओं का या चारों संख्याओं का अनुपात गुणा एक होगा तो वह गलत है, ऐसा कभी भी नहीं होगा। इस बात को तो पहले का अनुपात गुणा एक होगा एस, दूसरे का होगा बाई, तो आप क्या कह सकते हैं कि चार एस बटे पांच एस में तीन जोड़ा जाए या पहले में तीन जोड़ा जाए दूसरे में या तीन जोड़ा जाए तो संख्या छह बाई बटे सात बाई हो जाती है। तो पहला समीकरण आपका ये कहलाएगा और दूसरा समीकरण आपका ये कहलाएगा, दोनों समीकरण से सवालों को आराम से कर सकते हैं, आपको अनुपात आगे क्षेत्रफल में दो प्रकार की आकृति प्रयोग किया जाता है, एक तो आपको पता है बल और दूसरा आपको ज्ञात है आयत। वैसे तो अगर हम चारों भुजाओं से सीधी आकृति कहते हैं तो कई बात होती है, बल आयत, बल चारों भुजाएं बराबर हो, आयत आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, बल को थोड़ा सा तिरछा कर दिया, मतलब इसमें 90 अंश का कोण नहीं बने क्योंकि सम चतुर्भुज के बाद सम चतुर्भुज। अच्छा आप आयत को थोड़ा तिरछा कर देंगे आमने सामने भुजाएं बराबर होंगी, यहाँ पे चार भुजाएं बराबर, मतलब वर्ग का वर्ग होता है वर्ग प्रत्येक सम, मतलब कह सकते हैं प्रत्येक वर्ग समचतुर्भुज होता है लेकिन समचतुर्भुज को वर्ग नहीं होता क्योंकि इसकी चारों भुजाओं में 90 अंश का कोण होता है, इसमें भी चार भुजाओं में 90 अंश का कोण होता है लेकिन यहाँ नहीं, इसे कहते हैं समांतर चतुर्भुज। कई बार बता चुकी इसे हम कहते हैं आयत को बिगाड़ कर समांतर चतुर्भुज बन जाता है, आमने सामने भुजा बराबर होती इसकी मतलब जान यहां पे आमने सामने भुजा बराबर होती यहां पे बराबर होती। नोटिस कर लीजिएगा बारी से आयत को अगर थोड़ा सा तिरछा कर दिया जाए बल को थोड़ा तिरछा कर दिया 90 अंश के कोण को खत्म कर दिया जाए तो बन जाता है समचतुर्भुज, समान है सभी भुजाएं समांतर है बीच की दूरी भी बराबर है और साथ में आमने सामने भी बराबर है, अगला आकलन इनसे अलग होता है जब इसकी एक जोड़ा समांतर हो, ये भुजाएं का एक समांतर हो, जब किसी भी चतुर्भुज की एक जोड़ा समांतर हो और बीच की दूरी बराबर हो, बीच की दूरी माने ये बराबर है लेकिन यहां भी नहीं कह सकते कि भुजाएं बराबर है ऐसा क्वेश्चन है, तो इसे कहते हैं समांतर, इसको कहते हैं समलंब, समान समांतर है भुजाएं और लंब माने हम 90 अंश का कोण बनाता है जब आकर ऊंचाई का डाला जाए। अब अगर एक और होता है जिसे हम कहते हैं पतंग, पतंग इसे पतंग चतुर्भुज कहलाता है, एक कहलाता है अगर कोई भी नियम इस्तेमाल नहीं कर रहा है जैसा चाह बना हुआ है तो इसे कहते हैं अनियमित चतुर्भुज, नियमित नहीं अनियमित चतुर्भुज कहलाता है, तो चतुर्भुज की आपको जरूरत है। इसमें बात अगर करेंगे तो हम लोग बात करने वाले हैं सिर्फ आयत, आयत की बात औसतन की जाती है, बल की जा सकती है, बल का तो बहुत मुझे मिला है लेकिन मैंने जो देखा है जाना है आयत की बात की गई है। आयत में क्या होता है आमने सामने की भुजाएं आपस में कैसे होती है बराबर होती है, उन्हीं भुजाओं को लेके हम लोग चल रहे हैं। आयत में क्या होता है आयत में एक भुजा जो सबसे लंबी होती है उसे कहते हैं लंब, उसे कहते हैं चौड़ाई लंबाई, दूसरी भुजा जिसे हम चौड़ाई कहते हैं। अगर लंबाई को हम लोग एस माने और चौड़ाई को हम बार ये हमें मानना पड़ेगा, अच्छा माना कि लंबाई बराबर एस और चौड़ाई बराबर बार, तो इसका एक सूत्र होता है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, आपको याद है लंबाई और चौड़ाई दोनों का गुणा करेंगे तो आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। अगर हम सवाल कह रहे हैं अगर मैंने कहा माना की लंबाई मान ली हमने x, चौड़ाई मान ली y, क्षेत्रफल कितना होगा x गुणा y, मान गया था लेकिन या ऐसे भी कह सकते x प्लस y बराबर x, या तो आगे कर ले पीछे। अब हम कहते हैं कि लंबाई में 4 सेंटीमीटर बढ़ा दें और चौड़ाई में 3 मीटर कम कर दें तो क्षेत्रफल हमारा 10 मीटर बढ़ जाता है, 10 वर्ग मीटर बढ़ जाता है, बढ़ जाना उसके लिए प्लस का इस्तेमाल किया।
माइनस का इस्तेमाल या प्रयोग किया जाता है जी आपको बता तो क्या आता है बात लिखी रहती किसी आयताकार छेद में या क्षेत्रफल में जिसकी लंबाई में 4 इकाई की बढ़ोतरी कर दी जाए चौड़ाई में 3 इकाई की बढ़ोतरी कर दी जाए क्षेत्रफल 10 इकाई बढ़ जाता है तो उसके लिए जो सूत्र लगता है वो सूत्र आपकी जो दो दिखाई दे रहे हैं तो लंबाई चौड़ाई के बाद क्षेत्रफल बाद में कह रहा है लंबाई पहले लिखेंगे चौड़ाई बाद में मानेंगे क्षेत्रफल आप इस तरह लेंगे अगर क्षेत्रफल पहले लिखा है क्षेत्रफल 10 मीटर बढ़ जाता है यदि लंबाई में इतनी जोड़ दें घटा दें या चौड़ाई में इतना जोड़ दें हटा दें तब लिखा जाता है ऐसा इस तरह से दो प्रकार से सवाल किया जाता है जो कि आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा बहुत आसानी ढंग से इस तरीके का इस्तेमाल करके कर सकते प्लीज आप नोट डाउन कर माय डियर स्टूडेंट अब मैं रुपयों के बारे में चर्चा करने वाला अक्सर आता हूँ जैसे मेरे पास 2 और 5 की रुपये जिनकी संख्या मतलब जिनका पैसा जो मात्रा है 100 रुपये संख्या तो मान लो हम क्या मानते हैं रुपया तो 2 के हैं एमआईआर अब 2 रुपये के कितनी संख्या संख्या की बात है सबसे पहले संख्या से माना कि 2 रुपये की संख्या कितनी है एक्स 5 रुपये की संख्या कितनी है बाय भाई रुपया तो फिक्स है ये तो पता 2 रुपये के 2 रुपये के सिक्के कितने हमने लेके एक गुल्लक में हमने कितने आपने कहा सर एक्स क्योंकि जो दोनों बराबर हम ये नहीं कह रहे दोनों एक्स के भी 2 रुपये के भी सिक्का होते हैं और 5 रुपये की सिक्का होती है तब कह देंगे सर जी भी एक संख्या और जी भी एक संख्या और हमने कहा कुछ 2 रुपये के संख्या है कुछ 5 रुपये के थैली में संख्या है या एक गुल्लक में संख्या है तो आप एक कह सकते हैं कि सर 2 रुपये की एक संख्या एक में है और 5 रुपये की बाई संख्या बाई में भाई जी बात स्पष्ट समझ में आ रही बात है आपने क्या कहा 2 रुपये के जो पहली बात किया उसके लिए आप एक्स का प्रयोग करेंगे और बाद वाले के लिए बाई का प्रयोग करेंगे तो कुल कितनी हमारी संख्या कहलाएगी संख्या मतलब हम संख्या का योग की बात करेंगे तो संख्या के योग की बात होगी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू संख्या का योग मानो मैंने कहा उन सभी 2 और 5 रुपए के संख्याओं का योग था वो है संख्याओं की गिनती जो है योग है वो है 20 है 30 है 40 कोई भी चीज नहीं कह सकते अब इसे पैसा कैसे बनाया जा रहा हम कहने के हमारे पास कुल 5000 रुपया है 2000 रुपया है 1000 रुपया है तो क्या रह जाता है तब क्या आ जाता है 2 रुपए के एक्स नोट एक्स 2 रुपए की एक संख्या के पैसे 5 रुपए के बाई संख्या के पैसे की कुल मात्रा जो कि आपके सवाल में दिया जाएगा इन दोनों उसके प्रश्नों के उत्तर से हम सवाल हल कर सकते हैं मतलब हमने कहा मेरे पास 50 पैसे के और 1 रुपए के सिक्के कितने हैं कुछ हो सकता 50 पैसे चला जाएगा 0.50 मान लो 50 पैसे के हमारे पास माना कि एक्स है आपको मानना पड़ेगा ये तो सवाल में दिया गया कि 50 पैसे 1 रुपए के कुछ सिक्के हैं उन सिक्कों की संख्या इतनी है या फिर वो संख्या कुल रुपये हमारे पास इतने हैं दोनों संख्या रुपयों की या जो संख्या दी उनकी संख्या दी जा सकती है या कुल रुपये दी जा सकती है दोनों तो संख्या दी जाएगी तो संख्या मानेंगे एक्स दूसरा 10 रुपए के सिक्के क्या मानेंगे बाई दोनों का जोड़ जो आपका सवाल में संख्या दी गई वो संख्या यहाँ आएगी अगर वो कहेगा कुल रुपए कितने हैं तो ऐसे स्थिति में 50 के एक्स प्लस 1 रुपए के बाई इन दोनों का जोड़ वो पैसा जो आपके सवाल में दिया गया है वो पैसा यहाँ आ जाएगा इस चीज को स्टूडेंट समझ नहीं पाते डाउट हो जाते तो मैं फिर बता दूँ जो भी आपके 1, 2 या 5 रुपए के 10 रुपए के सिक्के माने जाते हैं या 10 रुपए का और 100 रुपए का नोट मान लो 10 रुपए के हमारे पास एक्स नोट है 100 रुपए के हमारे पास बाई नोट है 100 बाई की कुल संख्या इतनी है तो कुल रुपया कैसे आएगा 10 × x धन 100 × y बराबर इतना रुपया इतना रुपए से हम सेटलमेंट करके आंसर निकाल सकते हैं यह मेरा तकनीकी या ज्ञान होता है इसको आप नोटेड कर लें और समझ लें समझ में ना आए वीडियो रिवाइंड जरूर कर लें ओके कैसे माय डियर स्टूडेंट अब आता है नेक्स्ट टॉपिक जो है चाल दूरी समय एक्चुअल क्या है चाल दूरी और समय में संबंध होता है क्या होता है चाल बराबर होता है आपको क्या होता है दूरी बटे समय आपने बचपन में पढ़ दिया होगा विज्ञान में पढ़ा होगा लेकिन अगर कभी आवश्यकता पड़ जाए समय निकाल देंगे तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल कैसे आ गया मैं आपको बता दे रहा हूँ समय को यहाँ ले जाए चाल की जगह चाल को समय की जगह ट्रांसफर करें समय यहाँ पे चाल ले एक चीज और होती है अगर आपको दूरी के बराबर ज्ञात किया जाए तो दूरी बराबर क्या होता है चाल
गुणे दूरी बराबर होता है चार गुणे समय। ये बात ध्यान रखें, तीन प्रकार के सूत्र जो आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहे हैं ये चार दूरी समय पे अंकित होते हैं। आप जब आ जाने सवाल कैसे किया जाता है, प्रश्न आता है कैसे किया जाता है, आपको कैसे किया, तो सवाल हमेशा समय पर किया जाता है। हमेशा समय पर कैसे किया जाता है, हमें यहां से एक स्थान तक जाने में और जाकर के वापसी फिर लौटने पर 3 घंटे का समय लगता है। तो आप यहां रखेंगे जाने में लगा समय, जाने में लगा समय, समय बताइए जाने में, फिर लौट के आने में, आने में लगा समय बराबर कुल समय जिसका सूत्र हमेशा जानिए। कोई भी सवाल आप करेंगे जो चार दूरी समय पर आधारित होगा उसका जो रूल और रेगुलेशन होता है कि किसी भी चीज में हम समय पर करते हैं। अगर कहीं समय ना दिया हो, हमने कहा जाने वाने में 4 घंटे का समय लगता है, दूरी आपकी 300 मीटर, चाल हमारे पहले 40 थी मान लो, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो हमेशा हर रूल होता है कोई भी चीज होती है जनरल में सवाल को बताऊंगा, तो अगर आपको जाने में लगा समय तो अगर आपका सवाल नहीं दिया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, दूरी बटे प्लस जाने में दूरी क्या होती है आने में, फिर दूसरी या दूरी बटे चार, क्योंकि आपको पता है मैं पहले बता चुका हूँ, बता क्या चुका हूँ तो समय बराबर है। हम क्या कहते हैं समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चार, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द है। आपको जब भी समय ना दिया हो, जाने में कितना समय लगा या आने में कितना समय लगा, या हम कहते हैं कि मेरी कोई रेलगाड़ी है वो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही, अब उसे 1 घंटे की देरी हो जाती तो वो अपनी स्पीड बढ़ा देता। तो भाई पहले सोचिए कि पहले कितना समय लगा माइनस स्पीड बढ़ाने में लगा समय, अंतराल कितना के लगा 1 घंटे, तो बराबर 1 घंटे आ जाए, तो वो भी क्या 1 घंटे। मतलब मैंने बता दिया कि हमेशा चार दूरी समय के सवाल को केवल समय पर ही करते हैं। तो आपको चाहे जाने में लगा समय हो, चाहे आने में लगा समय हो, चाहे किसी भी प्रकार के सवाल किए जाए, वह सवाल हमारे क्या कहलाते हैं, समय पर ही किए जाते हैं। इस बात को दिमाग के अंदर बैठा लें। मालूम मैंने कह रहे, मैंने कहा कि रेलगाड़ी रेलगाड़ी की का समय जो था उसका पहले लगता 4 घंटा 5 घंटा, चार बढ़ाने पर लगा समय, चार बढ़ाने पर लगा समय बराबर कितना है अंतराल, अंतराल मान लो 1 घंटा। पहले औसतन चाल से चल रही थी, स्पीड हमने तेज कर दी, चाल बढ़ाए तो फिर समय कम लगेगा, जो जो चाल बढ़ाएंगे समय कम लगेगा, तो पहले ज्यादा लगता उसमें से माइनस, या फिर ऐसे कहते हैं हर में अगर आदमी संख्या अगर बढ़ जाती है तो मान फिर क्या हो जाता है घट जाता है, ऐसा भी नहीं होता। तो माई डियर स्टूडेंट, जो चार समय के बारे में बात कर रहे हैं जो अभी मैंने आपको बताया बहुत इजी, लेकिन एक इसमें चीज और आता था, उस टॉपिक को मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। वो टॉपिक एक्चुअल होता क्या, वो होती सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल क्या कहलाती है, आप सुनते जाए तो मैं बोर्ड को बिगाड़ रहा हूँ। सापेक्ष माने दो वस्तुओं की, अगर दो चीजें हैं जिनके बारे में अगर चाल की बात की जाएगी तो एक से दूसरे की अपेक्षा अगर चाल को मैं सापेक्ष चाल कहते हैं। मान लो आप क्या कहते हैं, जैसे नाव और नदी की चाल, मान लो नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और नदी की चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा है, या फिर कोई मान भी माना जा सकता है, क्योंकि सवाल दो में नहीं देंगे, एक चर वाला देते हैं अक्सर, या दो चर वाला भी वो दे सकते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है वो क्या, वो सब सवाल को ऐसे सेट करेंगे कि उत्तर आपका निकाला है जीवन का। जिससे कहते हैं सापेक्ष चाल, दोनों अगर एक साइड जाएंगे, अगर आपकी जो नदी उस साइड जा रही है, भाई नदी जो है नदी इसको कह सकते हैं, या फिर सबको कह सकते हैं धारा, धारा का सापेक्ष किया जाता है, धारा उस साइड जा रही है और नाव भी उस साइड जा रही है, तो चाल क्या हो जाती जुड़ जाती है सापेक्ष चाल, इसे कहते हैं सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल कौन सी, अनुकूल, अनुकूल माने एक ही साइड, अनुकूल क्या कहते हैं एक ही साइड अगर काम हो रहा है, मालूम है साइकिल चल रहा है बहुत पीछे से बहुत तेज हवा है तो साइकिल की स्पीड बढ़ जाएगी,
तो साइकिल की स्पीड कैसे बढ़े? मान लो मैं 10 किलोमीटर प्रति घंटा या 20 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा था, आप 300, इसका मतलब उसको जो हमारे जो सामने से हवा आ रही है उसकी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल थी, उसने हमारी स्पीड को और बढ़ा दिया। नदी में हम जा रहे थे 20, पहले स्थिर था पानी, अब पानी चलने लगा कहीं पर, पहले तो स्थिर था, अब पानी कहीं से चलने लगा, तो स्पीड हो गई मैं 30, इसका मतलब 10 हमारी गाड़ी बढ़ गई धारा की चाल। तो इसे कहते हैं चाल। अनुकूल में चालें जुड़ जाती हैं, जिससे ध्यान रखने वाली है, ध्यान रखने वाली बात है, इसको हम रेकॉर्ड करें, चालें जुड़ जाती हैं, याद रखी, याद रखने वाली बात है। माने कहलाता शब्द है सापेक्ष चाल, लेकिन अनुकूल माने जब धारा और आपका नाव उसी साइड जा रही है, साइकिल और हवा उसी साइड जा रही है, धार किसी भी चीज का आपकी साइकिल मोटरसाइकिल एक ही साइड है, तो इसमें क्या होता है चालें जुड़ जाती है। अगर कोई चाल पहली एक्स थी दूसरी वाई थी तो ये चाल जुड़ जाएगी, इसे कहते हैं सापेक्ष चाल। अगर गाड़ी की चाल थी एक्स, धारा की थी पांच, तो आपकी जुड़ जाएगी चाल किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों जुड़ जाती किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा कहलाता है सापेक्ष चाल प्रतिकूल, सापेक्ष था प्रतिकूल, प्रतिकूल माना उल्टा होगा, इसमें क्या होते चालें जुड़ जी, अपने यहां करने वाली बात है, लिखने वाली बात है, चालें घट जाती है। कैसे है मैं आपको बताऊं, यहां से मैं 50 किलोमीटर प्रति घंटा की तेजी से लेकर के नाव जा रहा हूं, मैंने देखा कि वहां से धारा का भाव 10 हो गया, तो मेरी 10 की स्पीड घट जाएगी, मेरी फिर 40, गाड़ी तो मैं 50 की चला रहा हूँ लेकिन 10 वो कम कर दे रहा, कौन कर दे रहा धारा, तो हमारी हो जाएगी 40। ऐसी स्थिति में क्या होगी सापेक्ष की गति एक्स माइनस वाई, माने जो बड़ी चीज है इसकी ज्यादा चाल है मान उसी की मानी जाएगी, अगर नाव की कम हो जाएगी धारा ज्यादा हो जाएगी तो नाव उल्टी चलने लगेगी, काम खत्म। भाई हम तो उस साइड दबी जा पाएंगे जब हमारी चाल ज्यादा है, इस बात को जान लो। और दूसरा वाला जो प्रिवेंट कर रहा है प्रतिरोधक जो चीज है या उल्टी चाल चल रहा है, अगर उसकी चाल कम है तो हम चलते रहेंगे और उसकी चाल बढ़ जाएगी तो हम रुक जाएंगे, बराबर आ जाएगी तो रुक जाएंगे और ज्यादा हो जाएगी तो उल्टे चल जाएंगे। तो वहां पे बात आती है सापेक्ष चाल की बात की जाए तो दो वस्तुओं की बात की है। यहाँ पे इस बस का भी आप काफी नोटिस किया होगा, अगर एक गाड़ी 20 की स्पीड में चल रही है, हम चला रहे हैं 25 की स्पीड में, तो हमारी सापेक्ष चाल कराएगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 25 में से 20 चलाकर 5 की स्पीड में हम धीमे धीमे करके हम बस को पार करते हैं। अगर अगर सामने वाला 40 चल रहा था तो हमारी स्पीड तुरंत 80 किलोमीटर प्रति घंटा, हम बहुत झटके से पार करते हैं। आमने सामने का क्या होता है, एक बस या ट्रेन या एक बस ट्रेन जा रही, इसकी 60 थी इसकी 80 थी, अब ये इतनी तेजी से पार करेगी पता नहीं चलेगा, क्यों? क्योंकि इनकी दोनों की चाल चल जाएंगी जुड़ जाएगी। जब वाहन आमने सामने से आते तो सापेक्ष चाल जुड़ जाए, वाहन की बात कर रहा हूं मैं नदी की बात ही कर रहा हूं, नदी भी उसी साइड जा रही और नाव भी जा रही, देखिए ऐसे जी जी, तो यहां पे सापेक्ष चाल क्या होगा आपका जुड़ जाता है, इसमें जुड़ती है सापेक्ष चाल। आप बस की बात नहीं करना, बस से इसका दोनों अलग अलग है, इसका दोनों का संबंध नहीं है, लेकिन नदी का नाव का संबंध है, हमारा हवा का संबंध है, यहाँ दोनों अलग है। वो तो हम सापेक्ष चाल की बात कर रहे हैं, जब दोनों में संबंध हो, एक चीज दूसरे को प्रभावित करे दूसरे एक को, लेकिन जब बसों की बात करते हैं बस अलग है रोड से, कोई रोड चलने लगे तो बात गलत हो जाएगी, जब रोड सीधा चल रहा है उल्टा, रोड से और गाड़ी से संबंध होगा, लेकिन अगर दोनों बसें एक साइड चल रही तो यहाँ पे डेंगी और यहाँ पे जुड़ेगी, जब दो बसें आमने सामने आएंगी ट्रेन में आमने सामने आएंगी तो चालें क्या हो जाएगी जुड़ जाएंगी सापेक्ष चाल, और बसें अगर ऐसे चलेंगी ट्रेन एक सीधा चलेंगे तो अगर पहले जे चल रही जे धीमी चल रही जे तेज चल रही जिसको क्रॉस कर जाएगी, लेकिन अगर मान लो जितने चल रही तो फिर जिसको क्रॉस नहीं कर पाएगी, क्रॉस वही करेगी जिसकी चाल तेज हो, तो यहाँ पे सापेक्ष चाल अलग होता क्योंकि इन दोनों में संबंध नहीं होता, ट्रेनों में संबंध नहीं होता, बसों में संबंध नहीं होता, तो वहां पे इससे उल्टा होता। लेकिन नदी नदी का और आपका नाव का संबंध होता है, नदी अगर उसी साइड जा रही है जिस साइड नाव जा रही है तो चालें जुड़ जाएंगी, अगर विपरीत आ रही है तो चालें खट जाएंगी, हम जिस साइड साइकिल चला रहे हैं उसी साइड हवा जा रही है जुड़ जाएंगे, अगर विपरीत आ रहा है घट जाएंगे। तो आज मैंने टॉपिक को बहुत अच्छी तरह समझाया सूत्रों को, कल मैं टॉपिक शुरू करूंगा, मुझे विश्वास है कि आपको सभी सूत्र बहुत अच्छी तरह समझ में आ गए हैं। इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़, आई विल रिक्वेस्ट एवरीबडी, क्योंकि ये चीज़ मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मुझे इससे कोई जानकारी, मैं चाहता हूँ इस समय में हर विद्यार्थी को अच्छी
व्यवस्थित ज्ञान मिले, इससे ऐसी चीज कोई चीज नहीं हो सकती। थैंक यू वेरी मच।